लेक्चर 11 में हम लोग उर्ध्वतिर्यक सूत्र को आगे, जो हमने तीन डिजिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखा था उर्ध्वतिर्यक से, अब हम लोग चार डिजिट्स के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे बाय यूजिंग उर्ध्वतिर्यक। ठीक है, देखिए अब जैसे ये नंबर है 2134, 1234, तो जब इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो बड़ा टाइम टेकिंग होने वाला है ना। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इधर, फिर तीन से सबको मल्टीप्लाई करें, फिर दो से करें, फिर वन से, देन फिर इसको ऐड करें। तो उर्ध्वतिर्यक क्या कहता है कि बिना सारे स्टेप्स लिखे आप एक साथ, मतलब एक बार में मेंटली ओरली इसको सॉल्व करके अपने आंसर तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, बट मेथड समझना पड़ेगा आपको, और मेथड समझाने के लिए मैंने सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, जो 7 स्टेप्स हैं वो सारे 7 स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो वहां से आप कंपेयर मत करिएगा कि भाई कितना लंबा जाना है वो, क्योंकि एक बार जब प्रैक्टिस में आएंगे तो आप ओरली इसको मेंटली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए जो मेथड है वो ऐसा है कि भाई अगर 4 डिजिट्स का नंबर है, 4x4 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4x4 का मल्टीप्लीकेशन है, तो 7 स्टेप्स होंगे। तो ये जो मैंने व्हाइट डॉट दिखाया हुआ है, ये इन सारे नंबर, इस नंबर में सारे डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइक यहाँ पे 2, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 2 इस तरह का है। तो जो सबसे पहला स्टेप होगा वो एक्सट्रीम राइट से शुरू करेंगे, और ये देखो एक्सट्रीम वाला जो दोनों नंबर है वो मल्टीप्लाई होएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है ऐसा, कैसा क्या यहाँ पे समझ आ रहा है। फिर नेक्स्ट में क्या होगा कि भी इन चार को ऐसा यहाँ से फिर यहाँ से, कैसा लिख रहे समझ आ रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, समझ आ रहा है। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या होगा, देखो क्रॉस, ये ऐसा एंड देन ऐसा, वो देखो फोर्थ स्टेप में दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे लिख रहे हैं यहाँ तक समझ आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग फिफ्थ की बात करें तो फिर इधर से देखो, एक पैटर्न को समझना है, पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो अब देखिए यू ऐसा ऐसा, फिफ्थ स्टेप तुम्हारा कंप्लीट हुआ। फिर क्या आएंगे सिक्स्थ में क्या है, ऐसा देन ऐसा, ये सिक्स्थ हो गया, एंड फाइनल स्टेप ये। तो देखना पैटर्न ये है कि राइट मोस्ट साइड से शुरू करेंगे आप, और इस तरह से बढ़ते जाएंगे, पहले दो को लिया, फिर चार नंबर को इंक्लूड किया, फिर सिक्स को इंक्लूड किया, फिर ऑल 8 डिजिट्स को हमने इंक्लूड किया, फिर उसके उसी पैटर्न पे इधर कम होते गए और यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, अब इसके अगर इसके सॉल्यूशन पे जाते, समझ आ रहा है मेथड के अगर पैटर्न समझ गए तो आपके लिए बहुत मुश्किलें नहीं आनी है। तो देखिए अब अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें इस बाय यूजिंग दिस मेथड, तो क्या आएगा देखिए, फर्स्ट स्टेप में देखो इसके हिसाब से देखोगे तो 4x2 होना चाहिए, वो यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो आपने 4x2 मिला करके 8 लिख दिया, तो 4x2 8, देखो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया हुआ, कर सकते। नेक्स्ट स्टेप ये वाला है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3x2 + 4x3 होना चाहिए, तो 3x2 + 4, ये जो क्रॉस है इन सब के बाद क्या है, इन सबको ऐड करना है, ये दो दो नंबर का पेयर हो गया जो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इन सब का जो ग्रुप बना उन सबको ऐड करना है फाइनली, और ये मेंटली कर सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस की तो जरूर जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 3x2 + 3x4, वो यहाँ पे दिख रहा है 18 आ गया, 8 हमने लिख दिया, 1 कैरी हो गया, मेरे ख्याल से समझ आ रहा है। वेरी नेक्स्ट स्टेप ये वाला थर्ड स्टेप, तो देखो यहाँ पे कैसा होना चाहिए, 3x3, 1x2 एंड 4x2, तो यहाँ से देखिए आपने ये लिख दिया हमने, तो ये मल्टीप्लाई करके सबको ऐड किया तो कितना आ रहा है 19, एक कैरी हुआ था तो कितना हो गया 20 लिख दिया, 2 अब कैरी हो गया। वेरी नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखें हम, तो देखो 1x3, 3x2, 2x2, 4x1, ये चार पेयर्स बने हैं, तो इन चारों को मल्टीप्लाई किया और उसको ऐड करके लिखा तो 17 आया, दो कैरी हुआ था तो 17 + 2 = 19, अगेन 1 कैरी हो गया। ठीक है, अब देखो 3, 4, अब इसके बाद कम होना शुरू हुआ, इसके बाद फिफ्थ स्टेप ये वाला, देखो 1x2, 3x2 + 3x1, तो ये 1x2 + 3x2 + 3x1 11, एक कैरी हुआ था 12 लिख दिया, 1 कैरी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये चार आएगा तो 2x2, 4 + 1x1, 2x2 + 1x1, इट इज 5, एक पहले से कैरी था तो 6 लिख दिया, अब कुछ भी कैरी नहीं हुआ है। फाइनली लास्ट स्टेप,
देखो वन सॉरी टू इंटू वन टू, टू कैरी हुआ था कुछ कैरी नहीं हुआ था, जीरो था, टू इंटू वन टू, दिस इज आंसर। तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप, अगर थोड़ा प्रैक्टिस कर ले तो चार इंटू चार डिजिट पे आप एकदम से परफेक्ट हो जाते हैं। और ये सभी ये मैंने आपको सिखाने के लिए लिखा हुआ है, ये स्टेप्स जो दिखाए मैंने आपको समझाने के लिए सिखाने के लिए लिखा है ताकि आपको एकदम से समझ आ जाए। लेकिन आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे असाइनमेंट्स की तो आप कोशिश करना कि मेंटली कर पाओ। शुरुआत के तो तीन चार स्टेप्स तीन चार जो प्रॉब्लम कर रहे होंगे उसमें ज़रूर लिख के करिएगा ताकि आप एक बार पहले फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है वो समझ जाए, देन उसके बाद आप मेंटली करने की कोशिश करेंगे तो अपने आप स्पीड बन जाएगा। तो पहले समझने पर ध्यान दीजिए, देन स्पीड अपने आप बनेगा। तो ठीक है फिर आगे चलते हैं, फिर हम लोग फाइव डिजिट्स वाला कर लेंगे कि पाँच पे, पाँच से ज़्यादा छः का भी कर सकते हैं बट पाँच से ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं तो पाँच पे रुक जाएंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है।